राम राम जी कैसे हो? सारे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सारे मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते हो कि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टिव होता है। गाइस आज की जो अपनी वीडियो है वो रहेगी XUV300 फेसलिफ्ट 2024 के ऊपर। इस गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल जो हमें पता चली है एंड आपको वीडियो में एंड तक देखना होगा। देखिए XUV300 फेसलिफ्ट जो है एंड हमारे साथ में थार अर्माडा जो इसकी मैंने वीडियो कल भी डाली थी, ये जो गाड़ियाँ बैक टू बैक इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड नाना करते भी अगर हम बात करें तो ये गाड़ियाँ जो हैं आपको विद इन शायद एक या दो महीने सड़कों पे देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको इस गाड़ी से प्यार है एंड वो एक्सट्रीमली इस गाड़ी का वेट करने लग रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा XUV300 फेसलिफ्ट 2024 के ऊपर सारी डिटेल्स। साथ ही साथ आपसे एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए टेस्टिंग पूरी हो चुकी है इस गाड़ी की, थार फाइव डोर की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। लॉन्चिंग जो है कभी भी हो सकती है बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं दोनों गाड़ियों को टेस्ट होते हुए, तो वो मोमेंट बहुत ही नजदीक है। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं बताऊंगा ऑटोमैक्स के बारे में। तो ऑटोमैक्स एक ऐसी इंडियन ब्रांड है जो आपकी गाड़ी की हर नीड पूरी करती है, चाहे आपकी गाड़ी की एलईडी हो, चाहे आपकी गाड़ी की डैम्पिंग हो, चाहे आपकी गाड़ी का कपलर हो, चाहे आपकी वायर हो, चाहे आपकी गाड़ी के वाइपर्स हो, हॉर्न हो, हर एक चीज जो है आपको ऑटोमैक्स सेंटर मिलती है। ऑर्डर करना भी ऑटोमैक्स से बहुत ही आसान है। आप लोग इनके इंस्टाग्राम पेज से भी कर सकते हैं, आप लोग अमेजोन से भी कर सकते हैं, आप लोग मॉडिफिकेशन वाले से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ऑटोमैक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं पैन इंडिया जो है ऑटोमैक्स ही शिप करवाती है, तो आप लोग जो है ऑटोमैक्स के प्रोडक्ट्स जाके खरीद सकते हैं। एनीवेज गाइस मेरा टाइम वेस्ट है, XUV300 फेसलिफ्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस से कि एक्चुअल में रोड प्रेजेंस कैसी है गाड़ी की। देखिए अगर आप लोग अगल बगल में जो गाड़ियाँ उनसे कंपेयर करेंगे तो इस गाड़ी की हाइट जो है आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ऊंची देखने को मिलेगी। देखिए हम बात करते हैं साइड में खड़ी हुई इग्निस की एंड साइड में खड़ी हुई अपनी ग्रैंड i10 की, तो यहाँ से आपको एक लमसम अंदाज़ा पड़ जाएगा कि गाड़ी जो है काफ़ी ऊँची है। लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ में शायद इतनी लंबी ना लगे बिकॉज़ ये जो है 4 मीटर के अंडर रहने वाली है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड है एंड समझ में भी आती है कि लेंथ अगर ना भी लंबी हो बट हाइट में इस गाड़ी को पूरा SUV-ish फील जो है कंपनी की तरफ से दिया गया। और अगर कंपैरिजन में आप लोग देख रहे होंगे बुलेरो के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता बिकॉज वो फुल्ली एक SUV है, बट हाँ ये गाड़ी जो है बगल में टिगुआन या फिर जितनी भी आप लोग देख रहे होंगे टाइगुन इन सब के कंपैरिजन में अगर आप देख रहे होंगे तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंची नज़र आती है। इसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो जो अपना गैप है दोनों के बीच में हमारे जो व्हील वाला वो काफ़ी कम दिख रहा है, तो मोस्टली ये गाड़ी लोडेड है। एक छोटा सा मेरे को ड्रॉबैक यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि इसमें जो है वो ढंडी वाला ही एंटीना दे दिया। अगर शार्क फिन एंटीना दे दिया होता तो गाड़ी के जो लुक्स हैं वो और ज़्यादा अमेजिंग लगते, बट आई डोंट नो। मोस्टली ये टॉप एंड वेरियंट ही है, टॉप एंड वेरियंट में भी जो आपको शार्क फिन एंटीना वो देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टेड टेल लाइट्स जो है वो तो बखूबी अपनी नज़र आने लग रही है यहाँ से। हैंडल्स भी दिख रहे हैं हम लोगों को। देखिए अगर पीछे i20 देख रहे हो तो i20 से लेंथ में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, बट देन अगेन मैं बता रहा हूँ कि कैमोफ्लॉज में जो गाड़ी है इतनी शायद से समझ ना आए। अब ये राइडर सुगु भाई को पूरा इस वीडियो क्रेडिट जाता है। यहाँ पर अगेन मैं लेंथ दिखाना चाहूँ अगर आपको इस गाड़ी की, तो बगल में जो है अपनी इनोवा खड़ी है, इनोवा से थोड़ी सी आगे, तो इनोवा जो है 4 मीटर से लंबी जाती है बट ये गाड़ी जो है ये 4 मीटर से नीचे रहेगी। अलॉय व्हील्स में शायद से 2-3 अलग अलग डिज़ाइन जो है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर इंटीरियर की तरफ भी लेके जाएं तो एक इंटीरियर का भी आपको अंदाज़ा यहाँ से मैं दिखा दूँ। वैसे तो हमने आपको बहुत दिन पहले इंटीरियर्स का दिखा दिया था बट फिर भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इंटीरियर कैसा है। सेंटर जो कंसोल है वो अगेन जैसा आपको महिंद्रा थार या फिर जितनी भी हमारी महिंद्रा की गाड़ियों में देखने को मिलता है वैसा ही दे दिया है। स्क्रीन जो है बीच में बड़ी सी दे दी गई और यही जो सेम स्क्रीन है आप लोगों को महिंद्रा थार 5 डोर में भी देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील भी चेंज है की बार। गियर्स की बात करें तो मोस्टली यहाँ से 6 गियर ही हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए गाड़ी जो है लग्जरी बनाई है बट एक बहुत ही लग्जरी जैसा फील शायद से आप लोगों को इस गाड़ी में देखने को ना मिले, बट ठीक है अभी भी जो अपग्रेड आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे तो अंदर से आपको दिख रहा होगा कि ड्यूल कलर में जो है इंटीरियर हमें से देखने को मिलने वाले हैं। स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सही दी गई है। कॉम्पैक्ट SUV है वो तो हम लोगों को पता ही है। वापस इस वीडियो क्रेडिट जाता है राइडर सुगु भाई को पूरा का पूरा। उनने जो है एक वीडियो का शॉट डाला था तो उनके चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डाल दूंगा। रियर वाइपर्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे, साथ ही साथ कनेक्टेड टेल लाइट्स भी जो है यहाँ से एकदम करीबी से जो है नजर आने लग रही है हम लोगों को। बूट स्पेस की एक बहुत समस्या रहती थी इस गाड़ी में, तो बूट स्पेस भी काफ़ी हद तक जो है इधर आपको दिख रहा होगा सुधार दिया गया है। तो एक जो अपना बूट स्पेस वाली दिक्कत थी ना, लोग बहुत परेशान रहते थे, उस पर महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा गौर करा है। एंड एक चीज़ अगर आप और नोटिस कर रहे होंगे तो पहले जो अपनी नंबर प्लेट होती थी वो ऊपर डिक्की पर ही होती थी, बट अब वो नंबर प्लेट हटा के उसको नीचे बम्पर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस इंक्रीज करने में मदद करती है गाड़ी की।
इसी के साथ साथ अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, गौर कर रहे होंगे, तो रूफ रेल्स जो हैं गाड़ी पे वो दी गई हैं। अलॉय व्हील के डिज़ाइन, जैसे कि मैंने बताया कि दो वेरिएंट्स हैं अलॉय व्हील्स में, अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे DRL भी आपको दिख रही होगी, तो फ्रंट से भी नो डाउट गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हम लोगों को नज़र आने लग रही है। इनोवा के साथ खड़ी कर रखी है, आई डोंट नो, वो शायद से कहीं पे रैंडमली ये वीडियो ली गई है, कंपैरिजन तो दोनों बनता नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर हाइट देख रहे होंगे ना आप, तो इनोवा के ऑलमोस्ट बराबर जो इस गाड़ी की हाइट चली जाती है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इनोवा जो है उसको हाइट में थोड़ा सा नीचे रखा जाता है शायद से एरोडायनामिक्स की वजह से, तो यहाँ पे आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बहुत ऊंची गाड़ी है। इवन तो वैगनार भी जो है वो भी हाइट में कई बार हमारी इनोवा से ऊपर चली जाती है, निकल जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, तो इस पे जो है बड़े बड़े से ये, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि स्क्वायर टाइप सा क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है कुछ टेस्टिंग चीज़ें होती हैं कंपनी की तरफ से, मे बी कंप्यूटर्स होते हैं जो भी होते हैं, ताकि एनवीएच लेवल्स पता लगा पाए कि गाड़ी के अंदर कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। उसी के साथ साथ गाइस अगर हम यहाँ पे देखें, तो आप लोगों को जो है बूट स्पेस की जो समस्या थी उससे आप लोगों का छुटकारा जो है काफ़ी हद तक देखने को मिलने वाला है। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्चिंग की, गाड़ी लॉन्च कब होने वाली है, क्या कुछ होने वाली है। तो मोस्टली अगर मैं बताऊँ, ये गाड़ी हमारे को मार्च या फिर मई के महीने में शायद से देखने को मिल जाए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप हो कि नहीं वो भी लिख के बताना। इसी के साथ साथ इस गाड़ी की कुछ नाइट की इमेजेस वीडियोस भी आई थी, जिसमें जो गाड़ी है वो हम लोगों को पूरी नज़र आती है, दिखती भी है कि कैसी कैसी नहीं, तो नाइट वाली भी जो है आपको वीडियोज़ एंड इमेजेस एक बार दिखा देता हूँ। बूट स्पेस वगैरह तो हम लोगों ने काफ़ी आपको इस गाड़ी की ऑलरेडी दिखाई दी है। तो गाइस यहाँ से आपको दिखने लग रहा होगा कनेक्टेड टेल लाइट जो है रात का, रात में ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी ये गाड़ी, ये चीज़ मैं 100% बोल रहा हूँ कि थोड़े से डिफरेंट जो टाइप है वो इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। इधर से आपको ना इसके जो अपने नाइट के जो बीच के डिस्प्ले हैं उसके लुक्स भी समझ में आ रहे होंगे, तो डिस्प्ले जो है बहुत ही वाइड है अब की बार। साथ साथ इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो प्लस में एप्पल कारप्ले वो भी वायरलेस देखने को मिलेगा। अच्छा, बीच का जो इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले है वो आपके पास एक्सपेक्टेड है कि शायद से डिजिटल दे दिया जाए, एंड वो भी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इस गाड़ी में जो 6 एयरबैग हैं आपको बेस एंड वेरिएंट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि महिंद्रा और टाटा जो है सेफ्टी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसी के साथ साथ फ्रंट में अगेन XUV700 जैसे जो हैं आप लोगों को इस गाड़ी में डिज़ाइंस देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है फ्रॉम महिंद्रा आने वाला है, एंड उसको हम लोग 2024 महिंद्रा XUV300 भी बोल सकते हैं, या फिर 300 भी बोल सकते हो। तो अगेन प्राइस की मैं बात करूँ कि प्राइस क्या कुछ रहेगा गाड़ी का, तो आप लोग स्लाइटली जो अभी वाले वेरिएंट्स हैं उससे अपग्रेडेड मान सकते हो। उसके पीछे रीज़न भी ये है कि गाड़ी जो है अब की बार उसमें खर्चा भी काफ़ी किया गया कंपनी की तरफ से, एंड फिर इंप्रूवमेंट्स भी आ रहे हैं। बट हाँ, मैं बोलूँगा कि वर्थ वेटिंग होगी ये गाड़ी। अगर आपको एक SUV टाइप सी गाड़ी चाहिए तो आप लोग इस गाड़ी का 100% वेट करिए, बिकॉज ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है आप लोगों के सामने निकल के आने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे लिख के बताएगा, बाकी मिलेंगे आपसे। बाय और धन्यवाद। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाई XUV300 फेसलिफ्ट 2024 की वीडियो, कैसी लगी गाड़ी मुझे लिख के बताएगा, बाकी मेरे से पूछा जाए तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड जो भी इसमें फ्लॉज थे, जो भी कमियां थी, वो भी सारी की सारी जो है कंपनी ने पूरा मतलब उसको हटाने की कोशिश करी, एंड कई हद तक हटा भी दिया। तो गाइस कुल मिला के वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट लिख के बताएगा, बाकी और कौन सी गाड़ी लीक्स देखना चाहते हैं वो भी लिख के बताएगा। हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे शानदार जो लीक्स हैं लाते रहेंगे, और बस आप लोग कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। चलिए आज के लिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, बाय और धन्यवाद।